तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। आप जैसे कि आपको पता है यार, नोवो और जॉर्जो पुल की कंटेनर की लूट जो है कम कर दी गई है। तो ये वाले मैच में क्या होता है कि जैसे ही हमारी टीम एक दूसरी टीम को मारती है, सबकी एमओ एक ही बार में ख़त्म और इतने में आ जाती है एक टीम, और फिर होता है द ग्रेट एस्केप ऑफ नोवो। सबके सब जॉर्जो पुल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उसमें कौन सक्सेसफुल होने वाला है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर देखो, हमारे राइट में एक टीम उतरी थी जो कि सारे के सारे वेयर हाउस में घुस गए थे, और मेरा टीममेट बोलता है अंदर मत जाओ, वहाँ पे बहुत सारे बंदे। भाई ये सुनते ही मैं और चला गया अंदर। अब जब तक रिस्क ना ले यार, मज़ा नहीं आता। अब इतने में दूसरा बंदा भी आ जाता है, भाई ये भी गया। अब इसके पास थी टॉमी, मेरी गंदी नज़र तो पहले थी इसकी टॉमी पे, जो कि मैंने इसको मार के तुरंत ही ले ली। अब आते इसके टीममेट उछल उछल के एक के बाद एक, और देखो उनको कैसे भरते हैं। अबे तीसरे को मारते मारते मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने गन स्विच करी तो भाई उसको भी मार दिया मैंने। अब भाई ये पीले वाले को तो मैंने कतई नज़रअंदाज कर दिया था 2 मिनट के लिए, मुझे लगा मेरा ही टीममेट है, बट यहाँ पे फाइनली। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है आप देखो, बस VSS में 9 बुलेट थी, और देखो भाई कैसे मार दिया मैंने उस बंदे को VSS से। अब सब एमओ खत्म, कार 98 में 0 एमओ, 56 है बट लोडेड 0 है, और VSS में सिर्फ 1 एमओ। मेरे दोनों टीममेट भर दिए गए क्योंकि पीछे एक टीम आ गई है, और मैं भाग रहा हूँ दुम दबा के यहाँ से। फिलहाल मैं ऐसी जगह छुपने चाह रहा था जहाँ पे कोई मुझे ना देख सके, और वो थी ये वाली जगह। बट भाई इतना तो उनको पता ही था। भाई ऐसे टाइम पे ना आप कुछ मत देखो भाई, जितना मर्जी बुलाने दो आपके टीममेट को, 2 मिनट के लिए सारे रिश्ते नाते भूल जाओ उन लोगों से, मरने तो सबको जो मर जाए भाई। अब इसके लिए हम क्यों मर जाए भाई, पहले ये बताओ। अब जो आप वहाँ पे जाके कुछ कर ही नहीं सकते, उनको बचा ही नहीं सकते, तो हम क्यों मर जाए। मुझे पता है थोड़ी देर के लिए आपको गालियाँ मिलेंगी वहाँ पर, आपके टीममेट आपको सुनाएंगे बहुत बुरा भला कहेंगे, तो उनको एक K98 के हेडशॉट से खुश भी कर देंगे, बट उनको बचाने मत जाओ भाई, क्योंकि वहाँ पर आप भी भर दिए जाओगे। और बिल्कुल भूल गया था मैं 2 मिनट के लिए उनको, और भाई अब वो बहुत ही नाराज़ हो चुके हैं। खैर मुझे वापस आना पड़ा अभी यहाँ पे गन लेके, और अब देखो पूरी टीम को कैसे भरते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना, मैं भर ही देता उस बंदे को। खैर ये था भाई द ग्रेट एस्केप ऑफ नोवो। अब देखो यहाँ पे अब देखो यार, यहाँ पे उतरा था और एक केम लग गई हाथ में, और ऊपर से क्या था कि 2-3 बंदे चटप चटप करके कूद गए, और बस फिर क्या था भाई, पेल दिए भाई, 2-3 तो पेल ही दिए मैंने, और मैं फिनिश भी कर ही देता हूँ इनको, वरना कोई और किल चुरा लेगा सामने से। अब देखो यहाँ से सामने क्या होता है, सामने होता है पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर भी कुछ बंदे कूदे होते हैं। अब मेरा पूरा प्लान था उन लोगों को मारने का, लेकिन बुलेट इतनी थी ही नहीं, तो मुझे थोड़ी सी बुलेट चाहिए थी, और उसके बाद इनको देखो कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो घर वालों को गिरना पड़ेगा, और भाई क्या ही ग्लिच हुआ इस बंदे का, मतलब दरवाज़ा ही नहीं खुला इसको। ऐसे मौके पे बिल्कुल नहीं खुलते यार दरवाजे, किस किस के दरवाजे नहीं खुलते ऐसे मौके पे मुझे बताना, क्योंकि मैं भी जब भाग रहा होता तो दरवाज़ा भाई कितने भी टैप कर लो खुलेगा ही नहीं, जब आप मर जाओगे तब खुलेगा वो। खैर यहाँ पे वो प्रो प्लेयर ही क्या जो थर्ड पार्टी ना करे। मैं वेट कर रहा था कब सामने वाली बिल्डिंग में 2 बंदे लड़ते हैं, बस बस, और यही चाहिए था मुझे। मैंने खींचा नेट आखिरी वाली बिल्डिंग के लास्ट वाले कमरे में लड़े थे ये लोग, और मैं चुपके चुपके जाता हूँ, भर दिया मैंने एक नेट, बस यही था, बस यही चाहिए था मुझे, और मौका मिल गया। अब देखो इसको दूसरे बंदे को कैसे मारते हैं। यहाँ पे मेरी उजी बिल्कुल भी रिलोड नहीं थी, 25 बुलेट दिख रही हैं, लेकिन अब जो है खाली हो चुकी है, ये था बॉट। अब इतने में इसका टीममेट आ जाता है, और मैं यहाँ पे TPP ले रहा था, वो भी क्या उजी पकड़ के, और जैसे वो आया मैंने उसी स्विच कर ली। मेरा भी दिमाग एकदम ख़राब है। मतलब उसको मैं खाली उसी पकड़ के मार रहा था। खैर बाद में मैंने एक एम स्विच करके मार ही दिया इस बंदे को, और भाई क्या ही सीन हुआ, बहुत कतलेआम हुआ यहाँ पे मिलिट्री में। खैर इसके अलावा बात करें 1 इस बेट की, तो भाई
जो भी फ्री बैठे हुए ट्राई करो यार वन एक्स बेट को, मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड इसमें बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक दे दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, ट्राई जरूर करना। एंड इस पर बहुत सारे फिलहाल यहाँ पे जो है अब एक टीम मिल जाती है अपन को और देखो इनको कैसे भरते हैं। अब ये बंदा मेरे बंदे के खिलाफ टीपी भी ले रहा था और अब बारी है इसके दूसरे टीममेट की, जो कि छुपना तो यहीं कहीं चाहिए। दो बंदे थे ये और इन्होंने अभी अभी एक टीम को मारा था, तो इधर के थे तो इधर का बंदा छुपा ही होगा कहीं तो बाहर। और फाइनली यार गए ये बंदे और भाई मतलब बहुत ही खतरनाक लूट थी इन बंदे के पास और मुझे चाहिए थी इस बंदे की बैरल जो कि मैंने ले ली। अब सामने वाले से भी जगह से आ रहा था फायर और भाई मिलिट्री बेस में तो कत्ते बहुत ही ज़्यादा बंदे आ रहे थे। बिल्कुल छत पे स्पॉन हुआ बोट, खैर इसको मेरे टीममेट ने मार दिया। अब बारी थी यार सामने वाले बिल्डिंग वाले बंदों की एंड जो मैंने वन एक्स बेट का आपको बताया वो जो है आप मेरा कोड डाल सकते हो वहाँ पे जिससे आपको जो बोनस है वो डबल हो जाएगा। तो ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। खैर यहाँ से मैं नेट पहले ही कुक कर लेता, मुझे पता था कि सामने टीपी भी ले रहे होंगे लेकिन जो मुझे पता होता है वो गलत होता है क्योंकि वो नहीं होते यहाँ पे। अब ये बंदा था ऑफलाइन और वो बंदा था डर के मारे छुपा हुआ किसी टीम से और वो टीम यहीं कहीं होनी तो चाहिए लेकिन वो यहाँ से निकल लेती है। अब देखो जैसे हम ये वाली टीम को मारने यहाँ पे आए वैसे वो वाली टीम जो है हमको मारने हमारे मेन जगह पे चली गई और वहाँ से हमको फायर दे रही थी। और एक बंदा तो मुझे स्पोर्ट भी होता है बिल्कुल छत पे, लेकिन जब तक उनको मारने जाते हैं देखो यहाँ पे क्या होता है। वो खुद ही हम पे रश कर जाते हैं और अब देखो कैसे भरेंगे उनको। और भाई फाइनली मार दिए गए ये वाले बंदे भी। अब इसके अलावा मिलिट्री बेस में कोई नहीं बचा सिवाय इस बोट के जो कि झाड़ियों में छुप के पता नहीं कहाँ से फायर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और फाइनली मेरे टीम ने मार दिया उसको। अब इस मैच के आखिर में भी एक बहुत गलत चीज़ होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी वाली चीज़। खैर इसके लिए चाहिए हमको लूट और सबसे पहले हम लूट लेते हैं। मुझे पता था आप लोग बोलोगे कि स्कारल क्यों नहीं उठाई तुमने उजी की जगह, तो इसलिए मैंने पहले करेक्ट करके स्कारल उठा ली यहाँ पे। नहीं उठाई, चलो कोई बात नहीं आगे जाके उठा लेंगे। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इस गेम प्ले में स्कारल उठाई थी कि नहीं उठाई। खैर यहाँ पे जो है अब आते हैं हम पोचिंग में, पोचिंग में दिखते बंदे और अब देखो कैसे भरते हैं इन दोनों बंदों को। खैर एक ही दिखा फिलहाल तो। अब भाई उसका दूसरा बंदा भी वहीं कहीं था लेकिन वो मुझे दिखा तो नहीं। अब इधर जब मैं उसको बचाने जाता तो जरूर दिखता वो। ये बंदा उसका नहीं था, उसका बंदा जो है इधर घर के अंदर गया है कहीं पे। और भाई इसीलिए कहते हैं कि उजी जब आपके हाथ में तो एफ पी पी में स्विच कर लो भाई, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मतलब 20% ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि व्यू ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उजी से। खैर पीछे आती है गाड़ी और गाड़ी दिख रही थी वो देखो सामने। अब अचानक से पहुँचेंगे पता नहीं कितने सारे बंदे आ जाते हैं, लगभग 6 बंदे आ जाते हैं अचानक से अपनी अपनी गाड़ियों में और सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। बीच में से कुछों को हम भी मारते हैं और आगे देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। अब कह रहे में एक और गाड़ी आ जाती है जिसकी आवाज़ आपने सुनी लेकिन वो यहाँ से एक्चुअली जा रही है क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है और इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे सीन क्या होता है अब देखो, अब एक्चुअली मैं पीछे की तरफ जा रहा था लेकिन मेरा टीममेट वहाँ पर मेरे को अपनी टांगों में फंसा लेता है। खैर अब उसका पूरा यहाँ पे वो बनता था कि मेरे को रिवाइव मिले यहाँ पे और मिल भी जाता है, लेकिन इतने में वो टीम रश कर देती है और मेरे पास थी जस्ट 1 HP जो कि एक्चुअली 10 HP थी, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। खैर जब तो मैं यहाँ पे गया मेरे टीममेट ने दोनों को ही पेल दिया भाई, अंदर वाले का तो भाई 1 HP था उसको तो ठीक है माना और बाहर वाले को भी पेल दिया जब तक मैं आया। खैर अभी मेरा हेलमेट जा चुका था जो कि मैं इस टीममेट से ले लेता हूँ और अब बारी है यहाँ से निकल लेने की क्योंकि बहुत बसर मच चुकी है यहाँ पे और इन्हीं की बग्घी लेके हम निकल लेते हैं। वैसे हम स्कूटर में आए थे आई थिंक और उनकी बग्घी लेके अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखो मैं अलग हो जाता हूँ और मेरे टीममेट अलग हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे दिखती है यहाँ पे गाड़ी। और अब सबको पता है कि ये गाड़ी कहाँ जाने वाली है क्योंकि आगे है स्क्वाड हाउस और ये पक्का वहाँ पे रुकेगी मुझे मारने के लिए। हालांकि इनको भी जोन में जाना है लेकिन फिर भी
ये स्क्वाड हाउस तो रुके ही होंगे मुझे मारने के लिए। और इतने में मेरा टीममेट भी वहाँ पे आ जाता है और वो बता देता है कि हाँ बंदे वहीं पे हैं। अब इस स्क्वाड हाउस वाले उनका पूरा ध्यान जो मेरे टीममेट की तरफ चला जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिट वाला होने वाला था, क्योंकि मैं इजीली जो है आगे जा सकता था। अब मेरा पूरा प्लान था यार नेट से मारने का, लेकिन भाई नेट में अपने लेकिन भाई वो भी चला, वो भी बच के निकल लेता है। खैर नॉक वाले को मैं जानबूझ के नहीं मारता, उसको मैं जाने देता हूँ ताकि वो दूसरा जो उसको रिवाइव दे और मैं उसको इजीली नेट से मार दूँ। अब प्लान तो मेरा बिल्कुल सही था यार, लेकिन आगे देखो ना क्या होता है। नेट तो मारा है, लेकिन मरा वही जो नॉक हुआ था, और वो क्यों नहीं मरा मुझे नहीं पता जो रिवाइव कर रहा था। खैर अब बारी थी उसको मारने की, लेकिन ये FPP में स्विच करना ज़रूरी था कि ये मैंने खुद सोचा, यहाँ पे फालतू में घुस गया मैं FPP में स्विच करके। FPP की एक यही दिक्कत है कि भाई फंस जाता है आदमी, जिसको इतना एक्सपीरियंस ना वो फंस जाता है यहाँ पे। और मैं और मेरा टीममेट यहाँ पर आपस में क्लैश कर गए थे, थोड़ी देर के लिए उसको मार भी देते, लेकिन यहाँ पे जो भागने का ही रास्ता नहीं मिला FPP में, और आग पड़ गई भाई आप TV में। मतलब आप लोगों से भी अगर पूछा जाए तो भाई आप भी, आप मुझे 90% लोग अगर कमेंट में लिखोगे तो TPP ही लिखोगे FPP की जगह। तो ये सीन होता है इंडिया में फिलहाल, FPP बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, TPP। खैर यहाँ पे मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है और सामने होते कुछ बंदे, ऐसा हमको लगता है इसलिए हम पैदल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। और इतने में गुजरते एक टीम, मैंने जानबूझ के फायर कर दिया ताकि वो हमको मारने के लिए वापस आए, लेकिन वापस तो नहीं आई, लेकिन वहीं पर रुक गई वो। अब रुक गई तो मारने का प्लान था उनको, लेकिन उछलने लग जाते वो, तो इनको तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इतने में पीछे आती एक बगी, और बगी आई तो मतलब वो पक्का आगे जाके कहीं रुकने वाली है कवर में, क्योंकि छोटा सा सर्कल रह गया अभी। और उनको हम पहले बोल देते कि कोई नहीं मारेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सामने, खैर वे पहले मार देते ज्ञान बाद में मारेंगे, और इजी किल था भाई ये। अब उनको हम इसलिए मना कर देते हैं कि भाई अगर वो फायर करेंगे तो कहीं हम पे ना लग जाए, दैट्स व्हाई जो हमको उनको पहले मना कर देते कि भाई आप पीछे से कोई भी फायर मत देना, वरना भाई उनको मारने के चक्कर में आप हमको ही मार दोगे। खैर अब यहाँ पे होती है फ्रेंडली फाइट, क्योंकि अब ये आखिरी दो बंदे बचे हुए थे और जोन में यही दो तीन घर थे, तो हम चूज़ करने को बोलते कि कोई भी घर चूज़ कर लो, हम आपके मारेंगे और आपको डिफेंड करना है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये NPCs हमेशा गलत घर को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि इनको इस तरफ जोन में जाना था तो इन्होंने उस तरफ वाले घर क्यों चूज़ करे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। खैर अब बारी है इनको मारने की, जो कि बहुत इजी है क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन एक बंदा समझदारी दिखाता है, वो पहले ही कूद जाता है बाहर। और भाई फिनिश करना तो उसका भी बनता था, लेकिन भाई इतने में मेरे टीममेट ने मार दिया। और अब सबसे तगड़ी चीज़ तो अब बताऊँगा मैं आपको, MVP मेरा टीममेट बन गया भाई। मतलब मेरे 21 किल थे, मैं MVP नहीं बना भाई, पूरा मिलिट्री बेस खाली किया, पोचिंग ही खाली किया, लेकिन मेरा टीममेट बन गया यहाँ पे MVP। तो खैर यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट में सबसे बेस्ट वाला पार्ट। एंड हाँ, 1xP को ट्राई करना मत भूलना, बहुत बड़ी इसमें प्रेडिक्शन आप कर सकते हो और जीते हुए पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो। साथ ही साथ यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, देखो सिंपल सा है ना, इंस्टाग्राम पे हम बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, दैट्स वाई जो है छोटी छोटी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं बना सकते, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है हम इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। तो जाके वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट तो जरूर करना यार, 1xP को भी ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।